कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 238 मामले सामने आ चुके हैं, इनमें से 57 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं दिल्ली में अभी 4 जीनोम सिक्वेंसिंग लैब हैं, जहां टेस्ट किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा माइल्ड और कम घातक है। विदेशों से आने वाले लोग इस वेरिएंट से सबसे ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। फिलहाल किसी भी मरीज को ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है और ज्यादातर मरीजों में मामूली लक्षण ही मिले हैं। कि कितना परसेंट ओमिक्रॉन है, कितना परसेंट डेल्टा है, कितना अदर्स है, तो सारा निकाल के आपको बता दें। लेकिन आप मान रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन जो है वो हम लोगों तक तो पहुंच गया है? देखो पहुंचेगा ही, अब ऐसे क्यों नहीं पहुंचेगा। जब विदेश से कोई आया, मान लो यूके से आया, दुबई से आया या साउथ अफ्रीका से आया, तो उसमें से काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि एयरपोर्ट पर मिल रहे हैं पॉजिटिव, जो एयरपोर्ट पर नहीं मिल पा रहे। जब वो चढ़ते हैं फ्लाइट में तब तो नेगेटिव होते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, तो कुछ लोग 2 दिन के बाद, कुछ 7 दिन के बाद, कुछ 4 दिन के बाद पॉजिटिव होते हैं, तो फैलने के चांस नहीं। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है और कोरोना साथ में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते प्रतिबंध लगा रही है, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। दिल्ली में जितने भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उन सबका जीनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट कराया जा रहा है। 1-2 दिन में ये पता चल जाएगा कि दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ने के पीछे ओमिक्रॉन है या नहीं। उनको दोबारा से दिल्ली सरकार के कॉन्टैक्ट में सभी लोग रहते हैं जो हम आइसोलेशन में, तो जिसको भी हल्का सा भी कोई खांसी है, जुकाम है, कोई भी सिम्टम भी हल्का सा भी आता है, तो उनके टेस्ट किया जाता है। और 8वें दिन सभी का कंपलसरी, या 5वें दिन या 8वें दिन कंपलसरी ये टेस्ट किया जाता है दोबारा से, तो उसमें कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ये 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओमिक्रॉन काफ़ी संख्या में आ रहा है अब ओमिक्रॉन जो है, और देखो ये तो बिल्कुल क्लियर ही था। देखो पिछली वेव भी जब आई थी, जब बाहर से फ्लाइट आई थी तभी आया था, तो ओमिक्रॉन बाहर से आया है तो अब सोसाइटी में थोड़े दिनों में फैल जाएगा सबके अंदर, क्योंकि ऐसा रखना मुश्किल है कि जो लोग हजारों लोग की संख्या में आ रहे हैं कि वो सोसाइटी में किसी से कभी भी नहीं मिलेंगे। दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की क्षमता बढ़ा दी गई है और अब रोजाना 3 लाख तक वैक्सीनेशन करने में सक्षम है। जनवरी के पहले हफ्ते से बच्चों को वैक्सीन और बुजुर्गो को बूस्टर डोज देने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी से अपील है कि ओमिक्रॉन से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। सभी लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नहीं देखिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, हजारों सेंटर हमने बना रखे हैं, उन्हीं सेंटर्स को यूज किया जाएगा, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और अब देखो फर्स्ट डोज तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड डोज वाले लोग अपने जब नंबर आता है तभी आते हैं, तो अब जो फर्स्ट डोज लगवाने के लिए आएंगे वो जो यंग बच्चे हैं 15 से 18 वाले, वही आएंगे। संख्या ये तो अंदाजा बताना इस टाइम मुश्किल है, निकाल के बता पाएंगे। वैक्सीन की अब दिल्ली में, देश में कमी नहीं है, वैक्सीन सफिशिएंटली कमी नहीं है। बहरहाल कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ग्रेप सिस्टम लागू करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, स्पा सेंटर और साथ ही मेट्रो बस को 50% क्षमता के साथ चलाने के आदेश दिए हैं और लोगों से भी कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर अपनाने की अपील की जा रही है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए देवेश कुमार की रिपोर्ट।